हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलूज वर्ल्ड, यानी कि मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं शिरडी और यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे साई तीर्थ थीम पार्क। ये हमने अभी टिकट्स ले लिए, अभी हम जा रहे हैं, तो आप रेडी हो देखने के लिए? रेडी हो, सो लेट्स गो। फोटो टोटो नहीं है, फोटो सब चौके सामने बाबा का मंदिर है। काय भेटते आहे फोटो तिथे? तुमचं फॅमिलीचा फोटो काढणार आणि व्हॉट्सअपला पाठवणार। ओम साईराम, ओम साईराम। सामने से राइट जाना तीर्थ। तो यहाँ पे चार सेक्शन है, उसमें पहला सेक्शन रहेगा तीर्थ यात्रा टेंपल ऑफ इंडिया, ये लंका दहन, ये 5D का फिल्म रहेगा, सबका मालिक एक जेंट स्क्रीन और द्वारका माई, ऐसे ये चार सेक्शन है। तो पहले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं तीर्थ यात्रा। आज हम इसमें आज हम देखेंगे क्या? इंडिया तीर्थ यात्रा यानी कि इंडिया टेम्पल ऑफ इंडिया। कहाँ पे? यहाँ पे सेक्शन या फिर नज़ारा तो बहुत मस्त है। यहाँ पे है ना तीर्थ यात्रा वहाँ पे। हाँ तो चलो साई टेम्पल शॉपिंग क्या
अभी यहाँ से तीर्थ यात्रा स्टार्ट होगी, तो आप रेडी हो देखने के लिए। हम वी आर सो एक्साइटेड। हम एक गाड़ी में बैठे हैं और बहुत मस्त गाड़ी है, एलिफेंट वाली है। इसका दरवाजा लॉक हो गया। अभी दिखाते हैं, अभी हम करेंगे तीर्थ यात्रा टूर। लेट्स गो। हो गई यात्रा स्टार्ट। जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्व किया था। इस यात्रा का प्रारंभ माननीय मुंबई से कबूतर की फौज रहती है। ये सीएसटी स्टेशन। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है उनमें से एक है श्री गणेश जी का, श्री सिद्धि मंदिर। दर्शन करते हुए श्री गणेश जी को और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती दिलबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुरुद्वारा। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे पांडवों ने बसाया था, ऐसा नहीं होता है।
आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। सदियों से लाखों करोड़ लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुँचते थे। भगवान पद्धति की इस महामारी को कम नहीं जानता। पांच सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त कुंड मुक्ति पिता का बना भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे जाते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जगन्नाथ मंदिर जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए लोग 15,000 की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगू, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
हम लोग आ गए। तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। हुए थे जैसे साईं, निकल गए किसे बांध गए भक्तों के मन में श्रद्धा की किंदो। साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आपने फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर पाया है। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त है ना, एकदम रियल लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसमें से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट में लिख के जरूर बताना, और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं लंका दहन में जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी ने लंका कैसे दहन किया था। Thank you.